जिस प्रकार का प्रचार हम हर जगह पे सुनते हैं, वो प्रचार परमेश्वर की मृत्यु का प्रचार नहीं है, वो परमेश्वर की आशीषों का प्रचार है, जिसमें हमें कुछ राहत मिल जाती है, हमें अच्छी भावना आती है, हमें अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन हम उसमें परिवर्तित नहीं होते, क्योंकि हम केवल अपनी शारीरिक और सांसारिक ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, और जैसे ही वो शारीरिक ज़रूरत पूरी हो जाती है, हम परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं, या फिर बार बार आएंगे परमेश्वर के पास, लेकिन केवल सांसारिक चीज़ों के लिए परमेश्वर के पास आएंगे। बाहर जाने के लिए हमें वीज़ा चाहिए, या हमें पैसे चाहिए, या हमें नौकरी चाहिए, या हमें अच्छे से अच्छी सेहत चाहिए, इन चीज़ों के लिए हम परमेश्वर के पास आएंगे। लेकिन हमने परमेश्वर के प्रेम को तब तक नहीं समझा जब तक हमने क्रूस पर मनन नहीं किया, जब तक हमने क्रूस पर ध्यान नहीं लगाया, जब तक हमने उस पर्वत पर ध्यान नहीं लगाया जिस पर्वत पर यीशु मसीह को बेइज्जत करके टांगा गया, और जगत का सृष्टिकर्ता स्वयं जब क्रूस पर लटका हुआ था, जब तक हम उस पर मनन नहीं करेंगे, जब तक हम क्रूस का अर्थ नहीं समझेंगे, जब तक हम क्रूस की कथा की गहराई को नहीं जानेंगे, हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं सकते। अगर आपको हल्का फुल्का मसीही जीवन जीना है तो आप चंगाइयों और आशीषों का प्रचार में ज्यादा रुचि रखेंगे, लेकिन अगर आपको अपने मसीही विश्वास में जड़ पकड़ना है, अगर आपको अपने मसीही विश्वास में मजबूत होना है, आपको क्रूस से प्रेम करना है, आपको यीशु मसीह की मृत्यु की कथा से आपको प्रेम करना है। यीशु मसीह की मृत्यु परमेश्वर के प्रेम का सबूत है, क्योंकि कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपनी जान को दिया, जबकि हमने उससे कहा नहीं था कि वो हमारे लिए मर जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर का मेमना हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है, हमारे क्लेश को अपने ऊपर लेता है, हमारे 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 श्रापों को अपने ऊपर लेता है, हमारी सजा को अपने ऊपर लेता है, हमारे कलंक को अपने ऊपर लेता है, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर लेता है, और उस नरक को वो क्रूस के ऊपर वो भोग लेता है जो आपको और मुझे सहना चाहिए। हम जब तक परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा नहीं समझेंगे, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा नहीं समझेंगे, क्रूस के द्वारा नहीं समझेंगे, हम उसके प्रेम में बढ़ नहीं सकते।